नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम की, जिसको सॉल्व करेंगे ब्रांच बाउंड मेथड के थ्रू। ब्रांच बाउंड मेथड में हमने लिस्ट कास्ट ब्रांच बाउंड अप्रोच को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, जब हम 01 नैपसैक प्रॉब्लम को देख रहे थे। हम आज भी उसी लिस्ट कास्ट ब्रांच बाउंड अप्रोच को ही फॉलो करके इसको सॉल्व करेंगे। ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम क्या था, पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम सोल्यूशन साइड मूव करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, जैसे एक ग्राफ देखिए आप। इस ग्राफ में अगर देखें तो जनरली हर ग्राफ से हर नोट कनेक्टेड है, मतलब हर नोट से दूसरे नोट को ट्रेवल करने के या जाने के पास एक एज है। अब इनका एक कास्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है। कास्ट मैट्रिक्स मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज नोड 1 से 2, तो नोड 1 से 2 यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 पे वर्टेक्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 1 से 2 कितना वेट है यहाँ पे, 20, तो 20 वेट यहाँ। ऐसे ही 2 से 4 जाने का वेट कितना है, 2 से 4 वर्टेक्स जाने का कितना वेट है, 4। तो हर नोड से हर नोड जाने का एक कास्ट मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन में प्रॉब्लम क्या कहता है कि एक नोड से, किसी भी एक नोड से स्टार्ट करना है ट्रेवल करना, और हर नोड को एग्जैक्टली एक बार ही विजिट करके फिर से इसी नोड पे आ जाना है। लेकिन जो ये टूर मिलेगा, ये टूर में मिनिमम कास्ट हो, मतलब कास्ट सबसे, जैसे अगर यहाँ पे देखें तो 1 से अगर स्टार्ट करते हैं तो ट्रेवल करके 1 पे आने के कई सारे पाथ मिल सकते हैं, लेकिन उसमें से मिनिमम कौन सा होगा उसको फाइंड आउट करना ही आपका है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो उसी को हम फाइंड करेंगे कैसे, लिस्ट कॉस्ट ब्रांच बाउंड मेथड से। कैसे करते हैं, सबसे पहले अप्रोच सोचिएगा। सबसे पहला अप्रोच देखिएगा कि ये आपका ग्राफ है, इसका कास्ट मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होता है रिड्यूस्ड कास्ट मैट्रिक्स। रिड्यूस्ड कास्ट मैट्रिक्स मतलब है कि इसमें देखिए, इस ग्राफ में अगर हम देखें तो हर रो और हर कॉलम में हम देखते हैं कि क्या एक जीरो प्रेजेंट है। अगर इस रो में देखते हैं तो कोई जीरो प्रेजेंट है, नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, कॉलम में नहीं है। तो हम रिड्यूस कास्ट मैट्रिक्स निकालेंगे कि हर रो और हर कॉलम में एटलीस्ट 1-0 आ जाए। चलिए अगर हम यहाँ से मिनिमम देखें, इस रो को देख रहे हैं तो इसमें से मिनिमम कितना है, 10। इसमें से मिनिमम कितना है, 2। इसमें से मिनिमम कितना है, 2। इस रो में मिनिमम क्या है, 3। इस रो में मिनिमम क्या है, 4। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ से माइनस कर दें इसमें से, तो ध्यान दीजिए क्या बन जाएगा आपका मैट्रिक्स। यहाँ मैट्रिक्स हम बना रहे हैं इनफाइनाइट। 10, 20 में से 10 यहाँ निकल गया तो क्या बचेगा, 10। यहाँ बचेगा 20, यहाँ 0, यहाँ 1। इसी तरह इस रो में से अगर 2 निकल गया तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा आपका, 13। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में से कुछ भी वैल्यू माइनस होगा इनफाइनाइट ही होगा। 16 में से 2, 14, 2 और 0। थर्ड में क्या आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ भी 2 माइनस हो रहा है, 1, 3, इनफाइनाइट, 0, 2। यहाँ से देखें क्या है, 16, यहाँ पे 6 में से 3 आएगा, 3, 15, इनफाइनाइट और 0। यहाँ से 4 जाएगा तो 12, 0, 3, 12, इनफाइनाइट। एक आपका एक कास्ट में एक कास्ट मैट्रिक्स मिल गया। कैसे, जब हम रो वाइज हम देखें तो अब इस रो में क्या है, सब रो में एक एक जीरो आ चुका है। अब इसका टोटल कितना हो रहा, देखिए 10 + 2 + 14 + 3 = 21। जो यहाँ पे कास्ट मैट्रिक्स आया, इसमें अब कॉलम में देखिए क्या हर कॉलम में एक जीरो प्रेजेंट है। इस कॉलम में देखें जीरो नहीं है, और तो जीरो नहीं थे, मिनिमम इसमें कौन सा, 1। तो हम यहाँ 1 ले लेते हैं, चलिए 1 माइनस कर लेंगे। इसमें एक जीरो है, इसमें भी जीरो नहीं है, तो यहाँ मिनिमम क्या है, 3। तो हम एक 3 यहाँ से ले लिए। इसमें जीरो है, इसमें जीरो है, मतलब अगर इसमें से 1 माइनस कर लें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12। यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा आपका 15, यहाँ हो जाएगा 11। ठीक है, ऐसे इसमें से 3 माइनस कर लें तो यहाँ हो जाएगा 17, यहाँ हो जाएगा आपका 11, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा आपका 0। ठीक है, और माइनस क्या हुआ, 1 और 3, यहाँ पे हमने कितना निकाला था, 20, 21 निकल चुका था। तो 21 + 3 + 1 = 4 निकालें कितना आ जाएगा, 25। ये 25 हमारा क्या आ गया, रिड्यूस्ड कास्ट मैट्रिक्स। ये आपका क्या है, ये है आपका रिड्यूस्ड कास्ट मैट्रिक्स।
तो यही हमारा क्या है, रिड्यूस कास्ट मैट्रिक्स, और कितना आ गया 25। जब हम सोल्यूशन साइड चलेंगे तो हम इसी कास्ट में जो रिड्यूस कास्ट मैट्रिक वेट आया 25, इसको हम कंसीडर करके, सपोज कीजिए हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं रूट वन, एक नोड से, नोड वन, वन से ध्यान दीजिए, अगर हम वन से स्टार्ट करते हैं तो वन से किस पे जा सकते हैं, टू थ्री फोर फाइव किसी भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ से चलते हैं वन पे, अगर हम चलते हैं नोड टू पे, और यहाँ पे आते हैं जब चलेंगे नोड थ्री पे, यहाँ से जाएंगे जब आएंगे नोड फोर पे, इस साइड चलेंगे जब नोड आएंगे फाइव पे, ठीक है। और नोड नंबर, नोड नंबर लेते हैं, यहाँ पर नोड नंबर वन है, यहाँ टू, यहाँ थ्री, यहाँ फोर और यहाँ फाइव। तो हम अब यहाँ की वैल्यू कंप्यूट करें, देखिए यहाँ पे जो वन था, वन से हम स्टार्ट करके चले थे, जो आपका रिड्यूस्ड कास्ट का मैट्रिक्स की जो वैल्यू आई थी यहाँ 25, इसी को हम इसका रूट का स्टार्टिंग 25 मान लेंगे। ये 25 आपका इसका है वन से। अब यहाँ से जब हम टू पर ट्रेवल कर रहे हैं, देखिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, पाथ वन टू एट नोड टू, मतलब वन से टू नोड, नोड पे जा रहे हैं, किस नोड पे हम कैलकुलेट करेंगे, टू पे। क्या निकलेगा देखिए कैसे आएगा, हम इसी को बेस मान के चलेंगे, अब इसी को बेस लेके चलते हैं, लेकिन जब इसको हम लेके चलेंगे, ध्यान दीजिए हम निकाल क्या रहे हैं, वन और टू, तो वन मीन्स वन रो और टू कॉलम, ये आपका रो एक कॉलम, हम कर लेंगे इनफाइनाइट, तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम मीन्स ए, इसको हम कर लेंगे इनफाइनाइट, क्लियर है। और क्योंकि वन से टू हम जब जा रहे हैं, तो टू से वन नहीं आएंगे जब तक कि सारे वर्टेक्स विजिट नहीं कर लेंगे, तो हम टू वन लोकेशन क्या होगा, एक का वन टू थ्री फोर फाइव है, और टू वन लोकेशन यही होगा, इसको भी हम कर लेंगे इनफाइनाइट। बाकी जो भी इंट्रीज है यहाँ से ही, यही इंट्रीज हम यहाँ पे फिल कर लेंगे, आप फिल कर लीजिए तुरंत इस 12 इनफाइनाइट। अब जो ये मैट्रिक्स आया, इसमें देखिए इसकी कॉस्ट कैसे निकलेगी, एक तो हो गया अगर हम कॉस्ट निकालें, कॉस्ट नोट टू पे निकालें, नोट टू की इसके लिए ध्यान दीजिए, एक इसका बेस क्या था 25, तो 25 तो हम इसको लिख लेंगे 25 प्लस, अब वन टू लोकेशन देखिए, वन से टू लोकेशन, इसमें वन से टू लोकेशन कितनी वैल्यू है, वन से टू लोकेशन 10 है, तो हमने ले लिया 10 प्लस। अब इस मैट्रिक्स में देखिए क्या हर रो हर कॉलम में एक जीरो है, देखिए तो इस रो में जीरो है, इस रो में भी यहाँ जीरो है, इस रो में भी एक जीरो है, यहाँ भी जीरो है, कॉलम देखिए इस कॉलम में जीरो, इस कॉलम में भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है, मतलब रिड्यूस कॉस्ट इसका कितना आ गया जीरो, तो प्लस जीरो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, तो 35 इसकी क्या हो जाएगी कॉस्ट। अब इस तरह से दूसरा निकालिए, दूसरा किसके निकालेंगे, पाथ वन थ्री, यहाँ से वन से थ्री जा रहा है ना, वन थ्री एट नोड थ्री, नोड थर्ड में निकाल रहे हैं, जब पाथ वन थ्री निकालेंगे तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इनफाइनाइट कर लेंगे, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, और थ्री वन लोकेशन भी, क्योंकि वन से थ्री जाएंगे तो थ्री से वन हम नहीं आएंगे, तो वन थ्री लोकेशन भी, तो थ्री वन लोकेशन भी, तो थ्री वन लोकेशन है इनफाइनाइट, बाकी सारी एंट्रीज उसका कर लीजिए आप, जो आपका रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स था इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 इनफाइनाइट 0, यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 जीरो 12 इनफाइनाइट, सारे डेटा हमने यहाँ पे वहाँ से सेम वहाँ से यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम कास्ट निकालेंगे, कॉस्ट नोट किस पे, नोट थर्ड पे, कितना आ जाएगा देखिए, इसका बेस क्या था 25, यहाँ पे थी वैल्यू, तो इस वैल्यू को ले चलेंगे 25 प्लस 13 लोकेशन, देखिए 13 लोकेशन कितना है 17, तो यहाँ आ जाएगा 17 प्लस। अब क्या इसमें देखिए रो कॉलम में वैल्यू जो है वो सारे में जीरो प्रेजेंट है, देखिए इसमें जीरो है, हाँ रो में है, इस रो में भी है, इस रो में भी है, इस रो में, कॉलम में देखिए इस कॉलम में नहीं है, तो कॉलम में नहीं, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11, मतलब 11 अगर हम माइनस कर लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जीरो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। दूसरे में देखें यहाँ पे इसमें जीरो है और इसमें भी जीरो है, इसमें अब सारे में जीरो हो चुके हैं, अब इसको निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 25 प्लस 17 मीन्स 42 प्लस 11 मीन्स 53, तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई 53। इस तरह से तीसरा देखिए कास्ट निकालिए, तीसरा कास्ट मैट्रिक्स निकालिए इस केस के लिए,
वन टू फोर। अगर वन टू फोर लेते हैं, लेते हैं हम पाथ वन से फोर एट नोड, किस नोड पे जा रहा है, एट नोड फोर पे, तो एट नोड फोर पे आ जाएंगे, क्या निकल जाएगा देखिए। जब हम इसको निकालेंगे तो इस टाइम ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम इनफाइनाइट हो जाएंगे, और फोर वन लोकेशन, क्योंकि वन से फोर जाएंगे तो रिपीट हम फोर से वन नहीं आएंगे जब तक कि सारे वर्टेक्स को विजिट नहीं कर लेंगे। तो फोर वन लोकेशन क्या हो जाएगा, फोर वन लोकेशन आपका ये हो जाएगा। बाकी एंट्रीज आपको वहीं से करना है रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स से, तो बाकी एंट्रीज कर लीजिए। यहाँ पर कितना है, 12 इनफाइनाइट, 11 और 0 और इनफाइनाइट। अब देखिए इसका निकालिए वैल्यू, इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट एट नोड 4 कितना हो जाएगा, 25 तो है इसका बेस से आ रहा है, 25 प्लस, हम 25 क्यों ले रहे हैं, देखिए जो इसका बेस ले रहे हैं यही मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो इसका कॉस्ट कितना निकला, 25 निकला है, उसी के लिए हम 25 ले रहे हैं। यहाँ पे 1-4 लोकेशन देखिए, 1-4 लोकेशन क्या है, 0, तो प्लस 0, इसमें 1-4 लोकेशन क्या है, 0 है, तो 0 हमने ले लिया प्लस। अब इसमें रो कॉलम देखिए, क्या हर रो कॉलम में एक 0 प्रेजेंट है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0 है, इसमें सब में 0 है, मतलब रिड्यूसिंग भी इसका क्या होगा, 0, तो टोटल कितना हो गया, 25, तो यहाँ पे कितना आ गया, 25। अब हम लेंगे 1 से 5, मीन्स निकालिए पाथ 1-5 एट नोड, किस नोड पे निकल रहा है, नोड नंबर 5 पे, तो नोड नंबर 5 पे आ जाएंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 1-5 मतलब फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम इनफाइनाइट, फर्स्ट रो और फिफ्थ कॉलम इनफाइनाइट। बाकी डेटा सारी वहां से फिल कर लीजिए, यहां पे कितना आ जाएगा, 12 इनफाइनाइट, 11 2 0 12 इनफाइनाइट, इस तरह से आ गया इसका मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स देखिए कॉस्ट, इसमें क्या रिड्यूस मैट्रिक्स है, इसको रिड्यूस कीजिए, हर रो हर कॉलम में एक 0 होना चाहिए, इसमें देखिए क्या है, 0 आया नहीं आया, तो इस रो में मिनिमम क्या है, 2 हम यहां से लेते हैं, तो यहां हो जाएगा 10, यहां हो जाएगा 0, इसमें 0 है, इसमें भी 0 नहीं है, मिनिमम क्या है, 3 अगर हम यहाँ निकालते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा आपका 9, इसमें 0 है। कॉलम देखिए, इस कॉलम में 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, इसमें भी 0, इनफाइनाइट वाले में हम चेक नहीं करेंगे, इनफाइनाइट में ऑलरेडी 0 हो गई होगा। तो अब इसके कितनी आ गई कास्ट मैट्रिक्स देखिए, कास्ट मैट्रिक्स निकालें तो आ गया हमारे पास कॉस्ट नोड 5 पे निकाल रहे हैं, इक्वल टू 25 क्योंकि बेस है इसका 25 प्लस 1-5 लोकेशन, 1-5 लोकेशन कितना है, 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पे जो रिड्यूस करने के लिए मैट्रिक्स वैल्यू निकला कितना, 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 31, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 31। अब देखिए जो लिस्ट कास्ट ब्रांच बाउंड मेथड कह रहा था कि जो जनरेट हुआ, जो 1 को एक्सपेंड करने पे इतने नोड मिले, इन सब में मिनिमम कौन सी वैल्यू है, इन सब में मिनिमम वैल्यू कितनी है, 25, तो इन सबको हम कर देंगे बाउंड। केवल अब हम इसी को आगे लेके फर्दर चलेंगे, मतलब कि बाकी सब यहाँ पे आगे हम इसको लेके सॉल्यूशन साइड मूव नहीं कर सकते। तो चलिए अब इसको लेके चलेंगे, तो कौन सा पाथ है, 1-4, 1-4 वाला मीन्स ए वाला है, इसको लेके हम आगे चलेंगे, बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, बाकी इन सब से कोई भी मीनिंगलेस हो गया हमारे लिए, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ, ठीक है, हमारे लिए केवल यूजफुल यही है 1-4, क्योंकि इसी का 25 है यहाँ पे, इसी को हम लेके आगे बढ़ेंगे। अब जब इसको लेके चलेंगे देखिए कैसे निकालेंगे, 1 से हम देखिए 1 से कौन सा पाथ ले, 4, 1 से 4 पे जा चुके हैं और नोड 4 पे पहुंचे थे, अब यहाँ से हम किस पे जा सकते हैं, 2 पे, नोड नंबर 2 पे जा सकते हैं, नोड नंबर 3 और नोड नंबर 5, क्योंकि 4 तो हम विजिट कर चुके हैं, तो यहाँ पे आएंगे। अब इसके लिए कॉस्ट मैट्रिक्स निकालिए, यहाँ पे आएंगे तो इसका नोड नंबर सपोज हो गया 6, 7 और 8, तो हम निकालेंगे क्या, 1-4-2 पाथ 1-4-2 एट नोड 6, नोड नंबर 6 है ना यहाँ पे। अब करते टाइम ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम, इस मैट्रिक्स को लीजिए, 1-4 तो ये निकला हुआ है, 1-4 हम ले लेते हैं, इसी मैट्रिक्स लेंगे, लेकिन यहाँ देखिए 4 और 2
फोर और टू भी चल रहा है, मतलब पहले हम इस मैट्रिक्स की यहाँ कॉपी कर लेते हैं, इसके बाद इसी में हम आपको समझाते हैं। ए इन्फाइनेट हो जाएगा, 12 इन्फाइनाइट, 11 इन्फाइनाइट, 0 0, 3 इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट 2, इन्फाइनाइट 3, 12 इन्फाइनाइट 0, 11 0 0 इन्फाइनाइट इन्फाइनाइट। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो निकला था वन से फोर का तो निकला हुआ था, हम टू का फोर टू का देखते हैं। फोर टू मतलब कि फोर्थ रो सेकेंड कॉलम, फोर्थ रो सेकेंड कॉलम भी इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो फोर्थ रो कौन सा है, ये वाला रो है, तो इसको भी हम क्या कर लेंगे यहाँ पे इन्फाइनाइट कर लेंगे। फोर्थ रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम भी इन्फाइनाइट कर लेंगे, ये भी आपका हो जाएगा इन्फाइनाइट। अब ये कास्ट मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें देखिए कि हर नोड का हर एज जो रो और कॉलम है क्या उसमें जीरो प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ जीरो है, इसमें भी जीरो है और इसमें भी जीरो है, कॉलम में यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, मतलब रिड्यूस कॉस्ट इसका हो गया जीरो। अब अगर हम इसकी कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट नोट किस कौन सा था, सिक्स का, तो कितना हो जाएगा, वन फोर का कॉस्ट कितना था, ध्यान दीजिए इस केस में वन फोर यहाँ पे कॉस्ट कितना 25 प्लस फोर टू टू, फोर टू टू कितना हो रहा है इसी में देख लीजिए, फोर टू टू कितना है थ्री प्लस इसकी कितनी रिड्यूजिंग में कॉस्ट नहीं माइनस हुआ तो मतलब जीरो, इसको टू कितना 28, तो यहाँ कितना आ जाएगा 28। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे किस केस में, 147 143 पाथ लेंगे सेवन नोट पे, मतलब पाथ 143 एट नोड 7 हम यहाँ पे लेते हैं। नोड 7 में लेने का मतलब देखिए कि क्या करें हम, ये मैट्रिक्स तो ही लेंगे यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे फोर्थ रो और थर्ड कॉलम भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मतलब कि इस मैट्रिक्स लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो ए इनफाइनाइट था ही यहाँ पे, ठीक है, और बाकी वैल्यू हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू हमने कॉपी कर लिया यहाँ पे, मतलब वन से फोर वाला तो यहाँ पे है। अब फोर्थ थ्री मतलब फोर्थ रो और थर्ड कॉलम भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। फोर्थ रो क्या हो गया, ये फोर्थ रो इनफाइनाइट हो गया, और थर्ड कॉलम मीन्स ए वाला थर्ड कॉलम भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ए इनफाइनाइट हो गया रो और कॉलम, एक लोकेशन और इनफाइनाइट हो जाएगा, थ्री टू वन लोकेशन कौन सा है ए, क्योंकि थ्री से वन पे वापस नहीं आएगा जब तक कि सारे वर्टेक्स विजिट नहीं करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि रिड्यूस करने में क्या हर रो कॉलम में जीरो प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब मिनिमम वाली वैल्यू टू माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा वन और यहाँ हो जाएगा आपका जीरो, इसमें जीरो है ठीक है। कॉलम में देखिए यहाँ जीरो नहीं है तो माइनस होगा क्या 11, मिनिमम 11 है तो ये हो जाएगा जीरो, यहाँ आ जाएगा वन, इसमें जीरो है मतलब रिड्यूसिंग कॉस्ट टू और 11 मतलब कितना 13 इक्वल टू 13 हुआ। कॉस्ट कैसे निकल जाएगा, कॉस्ट नोट 7 का 25 प्लस लोकेशन देखिए फोर टू थ्री क्योंकि इसी को हम बेस मान चल रहे तो इसको लेंगे, 4 to 3 12 है, 12 आ जाएगा प्लस 13 रिड्यूसिंग करने में लगा तो कितना आ जाएगा 50, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई इसकी 50, क्लियर है। अब चलिए इस नोट का देखिए, अगर हम इस नोट को देखते हैं देन आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे फिर हम क्या ले रहे हैं, 1 से 4 और 5 मतलब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, पाथ 1, 4 और 5 एट नोड 8 पे हम निकाल रहे हैं। तो इसी मैट्रिक्स फिर से यहाँ लेंगे हम, क्योंकि 1, 4 कोई बेस मान के चल रहे हैं, इनफाइनाइट कॉपी हमने वैल्यू कर लिया यहाँ पे। अब एक चीज़ और देखिएगा, अब फोर्थ रो और फिफ्थ कॉलम ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो फोर्थ रो कौन सा है, फोर्थ रो ये है तो यहाँ पे इनफाइनाइट कर लीजिए, ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। फिफ्थ कॉलम ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफिनिट हो जाएगा, और 5 ऑन लोकेशन भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि 5 से 1 वापस नहीं आएगा। अब इसकी कॉस्ट निकाल लीजिए, कॉस्ट तो कितना आ जाएगा 25, नोट कितना है 7, नोट 8 है, 25 प्लस 4 to 5 क्या है 4 to 5 0 है, 0
प्लस रिड्यूसिंग में देखिए, रिड्यूसिंग में अगर देखें तो यहाँ पे कितनी जा रही वैल्यू, इस रो में कोई जीरो है नहीं, मिनिमम कौन सा है 11 है, 11 रिड्यूस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ हो जाएगा वन, बाकी इसमें जीरो है, इसमें जीरो, कॉलम देखिए जीरो जीरो, सारे कॉलम में जीरो है, तो 11 आया यहाँ पे, हो जाए 11 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पे कितनी कास्ट आ गई 36। अब इन तीनों में जो आया मिनिमम कौन सा है, 28 है, ये इसी को हम फर्दर लेके आगे चलेंगे, बाकी ये सब क्या हो जाएगा बाउंड हो जाएगा। तो हम किसको ले लिए, 1 से 4, 4 टू 2, 4 टू 2 हम आ गए, मतलब 1 से कि 28 वैल्यू कहाँ से आई थी, ए वाली वैल्यू आई थी 1 से 4 से 2, तो हम इसी को लेके आगे एक्सपेंड करेंगे, बाकी इन सब की यूज खत्म हो गया क्योंकि ये सब क्या हो गए बाउंड हो गए, तो इसको हम फिर से रिमूव करके नई वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा वो देखिएगा, अब कैलकुलेट करेंगे पाथ 1 4 2, अब यहाँ पे 1 4 2 हो गया, तो बचा कौन, 3 और 5, दो ही पाथ बचे यहाँ पे, 3 के साथ आए सपोज नोड नंबर 9, इसके साथ 10 पे, तो हम निकालेंगे 1 4 2 3 एट नोड 9। तो सिंपली इसको बेस सब लेके चल रहे हैं क्योंकि इसी से देखिए, इसी 28 से इसी वाली से जनरेट हुआ है ये, इसी को एक्सपेंड करने पाया, तो इसकी डेटा हम पहले कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, इसकी डेटा कॉपी कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट 12, इनफाइनाइट 11, इनफाइनाइट 0, 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 2, इनफाइनाइट 11, 0, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी किसको हमारे इनफाइनाइट करेंगे, हमने जो यहाँ पर निकाला था 1 4 2, यहाँ तक तो सॉल्व है, अब देखिए यहाँ पे हम 2 3 आगे ले रहे हैं, मतलब 2 से 3, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम भी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, तो सेकेंड रो मतलब ए इनफाइनाइट हो जाएगा, और थर्ड कॉलम मतलब ए वाला, ए भी क्या हो जाएगा इन, और 3 1 लोकेशन भी इनफाइनाइट हो जाएगा, 3 1 लोकेशन ऑलरेडी 3 1 1 3 1, ए भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ गया ए भी 3 1 लोकेशन, क्योंकि 3 पे नहीं जाएगा वापस। अब अगर इसको हम कैलकुलेट करें इसकी कॉस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 प्लस 2 3 का देखिए 2 3 कितना है वैल्यू, 2 3 वैल्यू कितनी है 11, यहाँ 11 आ जाएगा, और इसका रिड्यूसिंग भी देखिए, इसमें रिड्यूस करने में 0 2 लाएगी यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी अगर हम देखें तो मिनिमम वैल्यू इसको करने में 11 हो जाएगा, यहाँ पे 30 रो में 0 1 आ गए, कॉलम में भी 0 आ गया है, मतलब 11 2 मीन्स 13 प्लस 13, टोटल कितना आ जाएगा 28 प्लस 24 मतलब 52, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 52, ठीक है। अब इस तरह से इसका निकालिए दूसरे का, इस वाले का 1 पाथ 1 4 1 4 2 और 5 एट नोड 10, इस पर निकालिए, तो इसी को पहले यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हम कॉपी किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी को बेस मान के चल रहे हैं ना, देखिए ये वाली वैल्यू जो आई थी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 12, इनफाइनाइट 11, इनफाइनाइट 0, 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 2, इलेवन इनफाइनाइट, जीरो इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब 1 4 2 तक का तो यहाँ पे था, बड़ा 2 5 मतलब सेकेंड रो फिफ्थ कॉलम भी इनफाइनाइट हो जाएगा, तो सेकेंड रो और फिफ्थ कॉलम हमने इनफाइनाइट कर लिया यहाँ पे, तो सेकेंड रो और फिफ्थ कॉलम इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। अब बचा क्या, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है ऑलरेडी, यहाँ पे 0 0 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत, अब इसमें निकाल लीजिए कॉस्ट मैट्रिक्स, निकालना हो तो कॉस्ट निकालना हो तो कॉस्ट कितना, कॉस्ट 10 पे वर्टेक्स कितना आ जाएगा 28, तो पहले से है प्लस 2 टू 5 देखिए 2 टू 5 कितना है 0, तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस, यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग में, इसमें भी 0 है ऑलरेडी, इसमें भी 0 है, सारे में 0 है, मतलब 0 आ जाएगा, इसको 28, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 28, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आ गया 1 से 4 4 से 2 2 टू 5,
तो यहाँ पे कितना है 28, मतलब पाथ हमारा कहाँ से हो गया, 1 से हमने आ गया 4, 4 से किस पे लिया 2, क्योंकि मिनिमम है ना, मिनिमम ये है मैक्सिमम है, तो इसको बाउंड कर लेंगे, 4 से 2, 2 टू 5। अब देखिए इसके बाद ऑप्शन क्या बनता है, केवल केवल एक ही ऑप्शन बनता है, कौन सा, यहाँ से केवल केवल 3 के लिए जा सकता है, और यहाँ पे जब 3 के लिए जाएगा तो देखेंगे 5 टू 3 क्या वैल्यू है, 5 टू 3 आएगा 0, 5 टू 3 0 होगा, जब बेस में इसमें देखेंगे तो यही वैल्यू आएगी 28 प्लस 0, मतलब 28 ही आएगी। रिड्यूसिंग जब हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो सारे इनफाइनाइट हो चुके होंगे, तो वहाँ पे रिड्यूस कॉस्ट कुछ भी नहीं आएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 28। पाथ कौन लिया, 1 टू 4 से 2, 2 से 5 टू 3, और जब हम 2 निकालेंगे तो 3 से 1 भी ले लेंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ट्रेवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। इस तरीके से हम किसी भी ट्रेवलिंग सेल्स प्रॉब्लम को यूजिंग ELCBB मेथड सॉल्व कर लेंगे, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो होप सो कंसेप्ट क्लियर हो चुका आपका, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ।